यूपी के बुलंदशहर में नोएडा निवासी एक युवती की सिर्फ इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी गई क्योंकि आरोपी अपने प्यार को कामयाब बनाना चाहता था और इसके लिए आरोपी ने न सिर्फ एक बेकसूर युवती को मौत के घाट उतार दिया बल्कि आरोपी उसके शव को जलाना भी चाहता था। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आरोपी के इस जुर्म में उसकी प्रेमिका भी शामिल है जबकि पुलिस ये भी दावा कर रही है कि आरोपियों ने इस खौफनाक हत्याकांड की पटकथा एक क्राइम शो को देखकर लिखी थी। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। बुलंदशहर पुलिस की गिरफ्त में खड़े युवक युवती को जरा गौर से देख लीजिए। आप इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है ये जाने तो उससे पहले ये जान लीजिए कि इनके द्वारा जो गुनाह किया गया वो नाकाबिले मुआफी है। पकड़े गए युवक का नाम है कपिल जो कि सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और इसके बगल में जो युवती खड़ी है वो कपिल की प्रेमिका है। आरोप है कि कपिल और उसकी प्रेमिका ने एक क्राइम शो देखने के बाद न सिर्फ एक खौफनाक हत्याकांड की पटकथा लिखी बल्कि कपिल ने फिल्मी अंदाज में हत्याकांड की घटना को अंजाम भी दे डाला। इतना ही नहीं, इनकी शैतानी खोपड़ी की उपज ने इन्हें न सिर्फ किलर बना डाला बल्कि इनका गुनाह बेपर्दा हो इसीलिए कपिल कत्ल की गई युवती के शव को जलाना भी चाहता था। दरअसल बीते 26 जनवरी को बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस को सूचना मिली थी ग्रेटर नोएडा निवासी पूनम का अपहरण किया गया है और मृतका के परिजनों को आशंका है कि आरोपी ने पूनम की हत्या कर डाली है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी कपिल को हिरासत में लिया और कपिल से सख्ती से पूछताछ की गई। मगर पुलिस पूछताछ में जो बातें सामने आई उन्हें सुनकर एक बार को सिकंदराबाद पुलिस के पांव तले से जमीन खिसक गई। पुलिस के माने तो पूनम हत्याकांड के षड्यंत्र में कपिल के साथ उसकी प्रेमिका भी शामिल थी और आरोपी ने सिर्फ इसलिए पूनम की हत्या कर डाली ताकि उसकी हत्या कर आरोपी अपनी प्रेमिका के साथ रफू चक्कर होना चाहता था और अपनी प्रेमिका के कपड़े गहने आरोपी मृतका को पहनाकर उसके शव को आग लगाना चाहता था। मगर आरोपी अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया जबकि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मृतका के शव को उसकी प्रेमिका के घर के उस कमरे से बरामद किया जिस कमरे में पशुओं के लिए भूसा भरा हुआ था। कल इंद्रजीत नाम के एक व्यक्ति ने ये सूचना दी थी कि उनकी बेटी पूनम का अपहरण कपिल नाम के एक लड़के ने कर लिया है और संभवतः उसकी हत्या कर सकता है। इस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली सिकंदराबाद की टीम सक्रिय हुई और इन लोगों ने उस कपिल की तलाश शुरू कर दी और पूनम की भी तलाश शुरू कर दी और देर रात्रि में कपिल की गिरफ्तारी की गई और कपिल से जब विस्तृत पूछताछ की गई तो उसने पूछताछ में ये बताया कि वो पूनम नाम की जो लड़की थी उसको ये ग्रेटर नोएडा से लेकर के यहाँ पर आया था और उसकी हत्या करके उसकी डेड बॉडी अपनी एक गर्लफ्रेंड जिसका नाम रूबी है उसके घेर में छिपा दिया है। जब तत्काल कार्यवाही करते हुए उस डेड बॉडी की बरामदगी की गई और उससे जब विस्तृत पूछताछ की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि कपिल का रूबी शर्मा नाम की एक लड़की से संबंध था और इन लोगों की ये प्लानिंग थी कि रूबी शर्मा और कपिल दोनों भाग जाएंगे घर से और रूबी शर्मा की जगह पे पूनम की डेड बॉडी को वहाँ घेर में रख करके जला देंगे और इस तरह से रूबी की तलाश समाप्त हो जाएगी और आगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। बड़े सोचे समझे तरीके से ये हत्या की गई है और हत्या करके डेड बॉडी को छिपाया गया। पुलिस की माने तो कपिल ने एक क्राइम शो देखने के बाद अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पूनम की हत्या की साजिश रची और फिर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का दावा है कि इसके लिए कपिल ने पहले पूनम को फोन फ्रेंड बनाया और फिर भरोसे में लेकर पूनम को ग्रेटर नोएडा से अपने साथ कार से सिकंदराबाद क्षेत्र ले आया
आरोपी ने पहले सीट बेल्ट से पूनम की हत्या की और फिर उसके शव को अपनी प्रेमिका के घर में लाकर छुपा दिया। आरोपी पूनम की हत्या कर उसके शव को अपनी प्रेमिका के कपड़े और गहने पहनाकर आग लगाना चाहता था। ताकि पूनम के शव को उसकी प्रेमिका का शव समझा जाए और आरोपी अपनी प्रेमिका को अपने साथ लेकर फरार हो जाए। सर मेरा नाम कपिल है, तो मैं मतलब मेरे पास कल पूनम की कॉल आई। मेरे पास कॉल आने के बाद में मुझसे बोलने लगी कि 1000 रुपये चाहिए। मैंने बोला ठीक है ले लेना। उसके बाद मैं नहीं गया, क्रिकेट खेल रहा था। उसके बाद फिर कॉल आई, कहाँ गया उनकी खेलने की नहर पे आ गया मैं। वहाँ कोई समथिंग ऐसी पहुँच गया 12:30 बजे के करीब में। पहुँचने के बाद मैंने कॉल करी कहाँ पर रहने, मेरी सिस्टर आई है, उसके बाद मैं चलती हूँ, 4 बजे करीब मैं कॉल करूँगी फिर। ओके मन ठीक है। उसके बाद उसने कॉल करी कहाँ पर है, मन की यहाँ पर हूँ, तो चल आ जा। मैं पहुँच गया गाड़ी लेके, वो आके गाड़ी में बैठ गई। मैंने उसे 1000 रुपये दे दिए। 1000 रुपये देने के बाद में उसने ठेके पर से बियर ली, पहले बियर पी, गाड़ी में बैठ के आपस में ऐसी गाली गुफ्तार करने लगी। फिर मैं उसे अपने इधर ले आया, इधर ला के मैंने नॉर्मल स्कूल पर गाड़ी की सीट बेल्ट से उसके फौसे लगा के मार दी। पूनम को कैसे जानते थे तुम, क्यों मांगे पैसे? पूनम को जी मैंने बताया ना कि एक दूसरे से मतलब नंबर मिला, कभी कभार कॉल की उसको, कभी किसी की जरूरत पड़ती तो ऐसी कॉल कर लेती अपने आप, यारी दोस्ती में। तो मैंने उसे 1000 रुपये दे दिए थे सर। फिर मैं उसे यहाँ ले आया, यहाँ लाने के बाद ऐसी उल्टी सीधी बात हुई हमारी, मैंने उसे गला घोट के मतलब गाड़ी की सीट बेल्ट से मार दी। फिर अपनी गर्लफ्रेंड के घेर में लेके गया, वहाँ छुपा दी उसको। क्यों, क्या वजह? सुबह के टाइम में उसको मतलब कपड़े पहरा के जला के मार देने का है, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाने का। हालांकि आरोपी अपने इन मंसूबों में कामयाब हो पाते इससे पहले ही सिकंदराबाद पुलिस की तत्परता के चलते इनका गुनाह बेपर्दा हो गया और पुलिस ने कपिल की साजिश को बेनकाब करते हुए उसे और उसकी प्रेमिका को सलाखों के पीछे भेज दिया। मगर ये पहली बार नहीं जब बुलंदशहर में इस तरह किसी खौफनाक हत्याकांड की पटकथा लिखी गई हो। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 News। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।